रोहित शर्मा की जगह क्या सच में वर्ल्ड कप की टीम में नहीं बनती है? आप खुद भी देखिए ना कि वर्ल्ड कप का ऑडिशन में आपने पहले वो सारी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, फिर जब आपको मौका मिला आपका कॉन्फिडेंस वैसे लूज है कि आप 14 महीने बाद कमबैक कर रहे हो। कमबैक करने के बाद आपके खेलने का अप्रोच देखो, पहले मैच में आपने आगे बढ़ के मारा, रन आउट हो गए, वहां आपने ब्लेम किया, चलो मैं रन आउट हो गया। दूसरे मैच में भी आपने ऐसी जल्दबाजी दिखाई जैसे लग रहा हो कि आप सुपर ओवर खेलने आए हो कि आपको 6 बॉल मिले हैं। मतलब ऐसा लग रहा था उस दिन कि रोहित शर्मा के सामने 20 ओवर का मैच नहीं था, वो उनके सामने सुपर ओवर का था। आप वहां फ्लॉप हुए हो तो भाई दिक्कत ये है ना कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस कम, दूसरा आपके पास वो फॉर्म नहीं है, तीसरा आपने एक जगह खा ली है जो एक ओपनर की थी, आपके पास एक टैग है कैप्टेंसी का जिसको लेके आप वर्ल्ड कप जा रहे हो। लेकिन एक प्लेयर के नाते, एक फैंस के नाते, अगर आप चाहते हो आईसीसी इवेंट जो जीते हम, तो भाई आप खुद से भी ये स्टेप लो कि आपकी जगह नहीं बनती है। आप देखें जायसवाल ने वो इनिंग खेली ना ताबड़तोड़, अगर जिस तरीके से बात चल रही थी कि भाई वर्ल्ड कप में रोहित विराट की जोड़ी देखेंगे एज ए ओपनर, तो आपने तो खिलाड़ी को मार दिया था। बिल्कुल, आपका तो टैलेंट वही खत्म था भाई, आपका टैलेंट वही पर खत्म है। और वही अगर चीज जो आपने बोला कि ऐसा लग रहा है कि सुपर ओवर, पिछले T20 वर्ल्ड कप में, पिछले एशिया कप में भी रोहित शर्मा का रवैया यही था कि देखिए हम एक नए टेम्पलेट के साथ आने वाले हैं, हम कुछ अलग क्रिकेट खेलेंगे, और वो ऐसी क्रिकेट जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया को नुकसान कर जा रही। भाई आप रोहित शर्मा है, अगर आप शुरुआत के 6 बॉल आराम से खेल लोगे तो अब भी आप अगले ओवर में रन बना दोगे। सामने जायसवाल और विराट कोहली इवन आए, उन्होंने भी स्टार्टिंग दिया ना बढ़िया, आपने टाइम लो नहीं है तो हर बॉल पे आप नहीं मारोगे ना भाई बल्ला। देखिए ये जो इंटेंट वाली चीज है कि आंख बंद करके बल्ला चलाओ और कह दो कि भाई देखिए हमारी टीम का इंटेंट ऐसा है और हमारा ये खेलना, मुझे ये पहली चीज तो जो ये एक्सक्यूज है और जो ये इंटेंट इतना सारा हो रहा है, इस पर भी मुझे सवाल है। आपको भी क्या लगता है कि शिवम भाई रोहित को लेकर? रोहित देखो, सबसे पहली बात मुझे तो इनका वही फॉर्मेट ये सही नहीं लगता है कि आओ तोड़ो, क्योंकि हम हमेशा वही बात करते हैं, आप कितनी बार तोड़ लेंगे, आप आके कितनी बार मार लेंगे, तोड़ो भी तो लेकिन आओ तो सही, आप और... अभी आए नहीं हो, टिके नहीं हो, पहली बॉल पे ऐसा लग रहा था कि यंगस्टर्स तो है ना आपके पास। अगर हमारी टीम में हम देखें दो ऐसे, विराट कोहली ने भी अपना इंटेंट बदल लिया, रोहित शर्मा भी वैसे ही खेल रहे हैं, तेज खेल रहे हैं, फिर एक जो एक हमें ऐसा प्लेयर चाहिए होता है एक टीम में जो आपको संभाल के खेले, वो कहाँ है आपके? देखिए मैं इस चीज से नहीं सहमत कि आप तेज आप खेले, आपके अंदर काबिलियत आप तेज खेले, लेकिन अगर आप आए हो पहली बॉल में आपने तेज क्या खेला, आप पहली बॉल पे आउट हो गए, आपने तो कुछ दिखाया नहीं। जायसवाल ने तेज नहीं खेला, विराट कोहली ने बताइए हर बॉल पे आप देख के रोहित शर्मा ने T20 में शतक जड़े हैं ना, शतक जड़े हैं, आप देखिए 4 शतक जड़े हैं, 35 बॉल पे शायद ही नहीं करा था सबसे तेज, वहां पर क्या पहली गेंद पर आंख मंदिर के वही तो बात है ना, आपने पहला तो बिल्कुल अली, पहले तो बिल्कुल ही अलग था ना, पहले धीमे खेलते थे उसके बाद मारते थे, बोला था जिस दिन इन्होंने 264 या कुछ रन बनाए थे कि इन्होंने बोला था कि मेरे कोच था डंकन फ्लेचर शायद, वहां पे उन्होंने मेरे को बोला कि तुमने स्टार्टिंग स्लो की थी नहीं तो तुम 300 मार जाते, जब आपने स्लो करके इतना मारा तो टाइम लग रहा। देखिए रोहित शर्मा हो गए और युवराज सिंह का दोनों का नहीं सर एक जैसा था, शुरुआत के 10 बॉल आराम से खेलते उसके बाद जब शुरू होते तो फिर रुकते नहीं थे, और हम सभी चाहते हैं कि अगर मान लीजिए देखिए पहली बात को इस फॉर्म के साथ तो मैं तो नहीं चाहता रोहित शर्मा वर्ल्ड कप, कोई भी नहीं चाहता यार, और अगर आप खेलेंगे भाई इस तरीके से, और इस टीम में जहां पे अच्छे खेलने वालों की जगह नहीं बन रही उसमें अगर आप इस फॉर्म के साथ जाते हो तो भाई ये तो इंसाफ ना इंसाफी है ना। भाई रोहित शर्मा का नाम बना कैसे है, नाम उनका उसी इंटेंट से तो बना कि पहले आप समय लीजिए उसके बाद मारिए, हिटमैन का मतलब ये नहीं, अब ये गलत सोच रहे कि हिटमैन तो पहली बॉल से आके आप दर दर पर भाई आप जैसा खेल रहे हो लोग क्या बोल रहे हैं हिटमैन, अब डकमैन होते चले जा रहे हैं ना, डकमैन हो गए आप। खुद भी देखे ना कि अगर आपने किसी खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर होता है, अगर उसको ये साबित करना होता है कि मुझे रन बनाना है तो क्या करता है, अपने बिल्कुल डिफेंसिव होके मतलब एक अप्रोच थे कि भाई रुको फिर मारूं, आपको तो ये लग रहा है कि भाई मैं कैप्टन हूं, आप अंत भला आप बोल देते हो पोस्ट मैच में जाके कि हम फाइनली हम जीत गए, मतलब नए टेम्पलेट, हाँ। भाई नए टेम्पलेट से खेल रहे हैं, पर आप जिस टेम्पलेट से खेल रहे हो भाई आपके वजह से खाता भी नहीं खेल, अरे भाई हाँ अभी तक आपके खाता भी नहीं खोल पाए हो, और पिछले शायद इनके 5-6 मुकाबलों में कई सारे जीरो है वहां पर। अगर बात कर ली जाए रोहित शर्मा के, सवाल लोग विराट कोहली पर उठाते हैं, विराट कोहली जैसा खेल वाला उस तरीके से रन बना देते आते ही आते भाई शॉट देखो उनके, मतलब जो कह रहे थे ना कि वो मिस हो गया सामने स्ट्रेट वाला, नहीं तो हारिस रऊफ का दूसरा वाला था वो स्टाइल जो उन्होंने मारा था, बिल्कुल बात वही चलती है ना। लास्ट के 5 T20 4-0 है, और उसमें जो एक मैच है उसमें 4 रन है, 7 बॉल, दहाई का आंकड़ा ही नहीं छुआ है भाई, आप देखे तो 0-0-0 और फिर 4 रन बनाए एक मैच में, तो यही है कि अगर आप कैप्टन हो आपके खिलाड़ी खेल जा रहे हैं आप उस नाम पे ढो रहे हो, फिर आपने देखा शिवम दुबे ने बढ़िया खेली भाई, क्या इनिंग खेल दी उन्होंने, आपके सामने यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल है, आपके सामने शुभमन गिल का फॉर्म नहीं है तो भाई वो बैठे ना बाहर, बिल्कुल
आपके सामने भाई देखिए जायसवाल आपके पास है अच्छे ऑप्शन में, आप जबरदस्ती मत खिलाइए, बोलना T20 वर्ल्ड कप आपका चला जाएगा। टीम बड़ी शानदार लग रही भारत की, अगर आप देखें ओपनिंग के अलावा विराट कोहली हो गए, अभी जैसे शिवम दुबे खेल रहे हैं वहां चले सूर्या हो जाएंगे, अगर दुबे को कैसे भाई जिस फॉर्म में है ना उसको खिला दो कहीं भी अगर खिला दो वो रन बना सकते हैं, तो आपके पास उसके बाद का लाइनअप अच्छा है, आप अपनी ओपनिंग मत खराब करिए।